जनसंख्या विभाग में अब ओबीसी भी कूद पड़े हैं और योगी पर ओबीसी का पलटवार आपको दिखाते हैं। लिखा है, क्या मुसलमान मूल निवासी नहीं है? ओबीसी कह रहे हैं कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल योगी आदित्यनाथ का कल का जो बयान था जनसंख्या को लेकर, उस पर असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब दिया है कि क्या मुसलमान मूल निवासी नहीं है और मुसलमानों को आखिर निशाना क्यों बनाया जा रहा है, मुसलमानों के नाम पर डर क्यों पैदा किया जा रहा है। कल दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है, लेकिन वो समान तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मूल निवासी है उसकी संख्या कम हो जाए औरों की बनिस्पत। योगी आदित्यनाथ देश के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और संविधान पर उन्होंने ओत लिया है। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, मूल निवासी क्या भारत का मुसलमान नहीं है? क्या बकवास कर रहे हैं वो? अगर देखा जाए टेक्निकली सच्चाई तो मूल निवासी तो आदिवासी और द्रविड़ियन लोग हैं, ना ओवैसी मूल निवासी है ना योगी आदित्यनाथ मूल निवासी हैं। क्या बोल रहे हैं मूल निवासी? और क्या वे बात सच नहीं है कि यूपी में टीएफआर रेट जो 2.7 था 2015-16 में, वो गिरकर 2.4 हुआ है? उनको तवज्जो किस पर लेनी चाहिए भाई से तो मुख्यमंत्री, कि उत्तर प्रदेश में जो बच्चे हैं एनीमिक हैं, उत्तर प्रदेश में जो बच्चे हैं सीवियरली वेस्टेड 6% से 7.3% हो चुका है, और उनकी जानकारी के लिए शायद उनको नहीं बता रहा होगा, बगैर कोई कानून बनाए उत्तर प्रदेश में डिजायर्ड फर्टिलिटी रेट 2026 और 30 दरमियान में आ जाएगा। आप कौन सी बात कर रहे हैं? आप सिर्फ मुसलमानों के ताल्लुक से खौफ पैदा कर रहे हैं, और क्या वो देखते नहीं हैं कि उन्हीं के भाजपा के केंद्र के मंत्री हेल्थ के राज्यसभा में अप्रैल 2, 2022 को ये कह दिया है, क्या कहा है कि भारत में कोई जबरन कानून की जरूरत नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।